कहते हैं कि जब वो वहां से आया तो उसका जहाज जो जिसमें स्वर्णादि उसके जो माल आ रहा था वो डूब गया, और वो बाद में अपने नौ बच्चों के साथ बहुत बड़े हवेलियां थी सब थी उसको बेचने पड़े, दरिद्र हो गया। जब उसको गुरु जी का नाम किसी ने कहा कि तंत्र क्षेत्र में परम पूज्य सद्गुरु जी श्रेष्ठ है, तो उनके पास जाकर तो कुछ प्रार्थना कर रहे थे मार्ग बताएंगे, तब वो गुरु जी के पास गया और गुरु जी के चरणों में लेटकर रोने लगा कि प्रभु मैं करोड़पति था, मेरे पास मेरे कम से कम पूरे भारत में 51 बंगले थे, प्रॉपर्टियां थी, सब सब कुछ चले गया, आज मैं रोड पे हूँ, मैं फटे कपड़े धारण करके जीता हूँ, ऐसा क्यों हुआ ये मुझे बताने, क्षण भर में ये सब कुछ हो गया और ऐसी दरिद्रता अनुभव कर रहा हूँ, आप कुछ मार्ग बताएं। गुरु जी ने जब देखा कि तेरी ये गलती हो गई थी, क्योंकि दारू पीने के लिए और किसी एक ही निकले वेश्या के लिए लक्ष्मी जिस दिन दीपावली थी उस दिन तूने धन का उसको दे दिया और तू आज दरिद्र लक्ष्मी तेरे घर से रुष्ट हो गई है। फिर उसने कहा कि इसके लिए, उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं क्योंकि धन के मद में झूठ था, अहंकारी था, इसलिए दे दिया होगा, अब मुझे क्या करना है। तब गुरु जी ने उसके कहने पर, एक दिन तो गुरु जी उसको सुने ही नहीं, दूसरे दिन जब वो प्रायश्चित से रोने लगा, प्रभु अब मेरे पास दो ही मार्ग है, या तो मैं आपके शरण में, आप मुझे कोई मार्ग बताओ, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, इसके सिवा मेरे पास दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि लोग इतना देने पर भी मेरे पास पूछने आते हैं, मेरा सब कुछ डूब गया है। तब गुरु जी ने इस स्वर्ण कात्यायनी साधना को जो मैं आपको अभी दिया हूं, उस स्वर्ण कात्यायनी साधना को अपने घर में बिठाकर करवाया, और जैसे घर में बिठाकर करवाया, कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसकी जहाज जो डूबी हुई कह रही थी वो दूसरे मार्ग पर चले गई थी, और किसी ने फोन करके कहा कि तुम्हारी जहाज अच्छी है तुम आ जाओ, उसका सारा पैसा उसको वापस आया, वो श्रेष्ठता के साथ धनवान बना। बाद में गुरु जी के पास कहते हैं कि उसने 5 करोड़ का पास लेकर गुरु जी के पास आया, तो गुरु जी ने कहा मैं देने वाला हूँ लेने वाला नहीं, कह रहा तू ले ले किसी गरीब को बांट। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको ऐसी ही साधना प्रदान कर रहा हूँ, मुझे इस आनंद इसकी खुशी मैंने मनाना चाहता हूँ कि आप अगले गुरु पूर्णिमा के आओ तो हंसते हुए आओ और ये कहो कि मैं हम गुरु कार्य क्या करें। गुरु जी आप बताओ हम गुरु कार्य क्या करें, आप तो आपके जीवन को तो बताएंगे बताएंगे लेकिन आप गुरु कार्य भी करेंगे, लोगों का लोग कल्याण करने में सामर्थ्यवान होंगे, इसके लिए इस साधना को आप किया हूँ। आज बहुत दिनों बहुत सालों के बाद ये साधना पहली बार मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। ऐसी ही सेम घटना गुरु जी के जोधपुर में भी हुई थी और गुरु जी ने अपने पुस्तक में लिखा है। एक बहुत बड़ा अच्छा व्यापारी था और वो व्यापारी को भी कंगाल होना पड़ा, तो वो आया और गुरु जी के पास रोते हुए कहा प्रभु मैं बहुत इस प्रकार दरिद्र हो गया हूँ, और कहते हैं कि लक्ष्मी आपको बुलाने पर आप लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती है, आपको मुझे कुछ मेरे लिए करो। गुरु ने उसके ऊपर गुरु जी को दया आई, उसने कहा कि ऐसा कर आज रात में तू दाल खरीद ले, चने की दाल या मसूरी दाल खरीद ले और उसको मार्केट में रख। कहते हैं कि जिस दिन उसने गुरु ने कहा दाल खरीदी, दूसरे दिन उसका भाव दुगना हो गया और वो लाखोंपति बन गया। एक ही दिन में उसको स्वर्णकात्यायनी की साधना करवाई थी। अब इसको एक के बाद दो के बाद तीन जब उसको होने लगा तो उसका ये हुआ। जब ये बात जोधपुर के लोगों को पता चली कि गुरु जी ऐसी है, गुरु जी के घर में लाइन लग गई, गुरु जी हमको भी दाल का भाव बताओ हमको भी भाव बताओ, बोले सारे सब लोग फ्री में काम करना चाहते हैं। दूसरे दिन से गुरु जी गलत बोलना शुरू कर दिया और एक भी काम नहीं हुआ, बाकी गुरु जी वो गलत हो गया, गलत ही होता है, बोले जिसको गरीब था वो दयनीय था उसको दिया हूं, अब आप फ्री में कमाने की बात सोचेंगे तो इसका ऐसा ही होगा। मैं भी आपको कह रहा हूँ धन आए तो उसका गलत उपयोग न करना, अच्छा उपयोग करेंगे तो उसका फल होगा, नहीं तो स्वर्ण दात्यायनी आपके पास से चली जाएगी, और अगर सच्चा उपयोग करेंगे तो आपके पास आपके घर में देवता लक्ष्मी भी आपके घर में होगी। और इस बात का याद रखना कभी दीपावली के दिन अन्य कामों के लिए दारू पीने के लिए इसके लिए आपका धन किसी को आपके घर से बाहर मत देते हैं, तो आपको वही काम वही लक्ष्मी दृष्ट हो जाएगी और आपको ये भोगना पड़ेगा। ये बोलते हुए अभी आपको जो स्वर्ण कात्यायनी यंत्र दिया हूं इस यंत्र को बाजू में रख दो और आपके स्वर्ण कात्यायनी के साथ आपके पास एक शंख है, उस शंख को बाहर निकालो और उसमें अक्षत दिए हुए हैं उसको भी बाहर निकालो, उसके साथ कपड़ा भी दिया हुआ है। अब वो बिना टूटे हुए चावल कपड़े के ऊपर शंख को रख दो, आपको हो सकता है तो ओम ओम ऐम ऐम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम फट इस मंत्र का जाप आप करते हुए एक एक दाना डालो
नहीं तो मैं यहाँ शिशु महाराज से उस मंत्र को बोलता हूँ, आपको केवल उस कपड़े के ऊपर शंख रखते हुए जो चावल दिए गए हैं उस शंख में डालना है, और उस शंख में डालने के बाद से उस मंत्र को बोलने लगाता हूँ, आप एक एक दाना शंख में डालते रहिए, और जिन लोगों के पास गोमती चक्र और वो रत्न जो दिया हूँ वो लोग अपने अपने पास बैठे के आपको ओम भीम नमः इस मंत्र का जप करो, जैसा ही शंख पूर्ण होगा आपको एक के बाद पूर्णाहुति के लिए भेज दूंगा, और पूर्णाहुति के बाद वहां का भस्म ले लेकर यंत्र के ऊपर और आप तिलक किया है संपूर्णता के साथ, मैंने आपको स्वर्ण कात्यायनी साधना संपूर्ण करवाई है, जय आपको घर जाकर करने की बात मैंने नहीं कही है, आप इसको पूर्ण कर लो, और हाँ पूर्णाहुति के बाद आने के बाद हम आपके शंख और ये साधना सामग्री की आरती संपन्न करेंगे, आरती संपन्न करने के बाद आगे का कार्यक्रम होगा। आज इस स्वर्ण कात्यायनी साधना को इस प्रकार पूर्ण किए हैं, और आपको अभी उस मंत्र को आपको या तो करना है नहीं तो उदय शेष महाराज मंत्र बोलेंगे, आप एक एक दाना उस शंख में डालते जाओ। चावल आपको पैकेट में दिए हुए चावल है शंख के साथ, जिनके पास गोमती चक्र और वो है वो लोगों को डालना नहीं है, जिनके पास शंख स्वर्ण कात्यायनी का यंत्र है वो लोग ही केवल शंख में एक एक दाना डालना है। कलर लगाए हुए अक्षर अलग के जो टूटे हुए चावल सफेद चावल है वो डालना है। जो उसके साथ जो चार दाने लिखे हुए हैं वो चार दाने शंख के चारों ओर रखना है, रख के शंख में अक्षत डालते जाना है, जो बिना टूटा हुआ सफेद चावल है वो शंख में डालो, शंख में उसकी पूर्ति करो, एक एक बार मंत्र बोलते हुए डालते हैं। आप सभी लोग धन धान्य से समृद्ध हो यही आशा करता हूँ, इस साधना को यहाँ संपन्न करवा रहा हूँ। आप इस साधना को पूर्ण करने के बाद यज्ञ कुंड के पास जाकर जो यज्ञ हो रहा है उसका भस्म आपको लगा लेना है, और यंत्र को भी लगाना है, और इस यंत्र को आप जब तक घर में एक वर्ष तक स्थापन करना है, इसके बाद इसको अच्छे पवित्र नदी में विसर्जन करना है। शंख और यंत्र ये सारी सामग्री आपको एक वर्ष के बाद विसर्जन करना है, जिनके पास गोमती चक्र वगैरह लगाया हुआ है वो लोग 40 दिन के बाद विसर्जन कर सकते हैं, और आपके घर में तिजोरी में इसको रखें, आपको आपके पास धन धान्य सब कुछ आपके पास होगा। जिसने अपने पास इस साधना को लिया है उनके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी, 7 पीढ़ियों का भी कमी नहीं होगी जो ये साधना संपूर्ण करता है। आपको आशीर्वाद देता हूँ, एक बार एक और करेंगे, बोलो प्रभु जी सद्गुरुदेव भगवान की। मैं हमारे आश्रम वासियों को कहता हूँ कि वो सब लोग यहाँ आकर इस साधना को देखें और पूर्णावती के पास जाए। आप सभी को मैंने इस साधना सामग्री को दिया है, जिनके पास गोमती चक्र और रत्न दिया गया है वो लोग लेकर खड़े रहे जब तक ये शंख का मंत्र के साथ पूर्ण होगा। एक एक चावल का दाना शंख में डालना है मंत्र बोलते हुए। यंत्र बाजू में रखो, यंत्र कपड़े के ऊपर एक बाजू में रखो, कपड़े के ऊपर शंख रखो, शंख के बाद चार आपके पास एक दाने दिए गए हैं उस दाना को चारों कोने में रख देना चाहिए, और शंख में एक एक दाना उस मंत्र को बोलते हुए डालना है। इस बात सभी सामग्री कपड़े पर स्वस्तिक से निकाले हुए कपड़े पर ही रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। దాంతో ఒక 4 మడులు ఇచ్చిన్నాయి, ఈ 4 వైపుల శంఖాన్ని పెట్టి దాంట్లో ఒక్కొక్క ఏదైతే మనం తీసిన ఒక్కొక్క బియ్యపు గింజ ఉందో ఆ మంత్రంతో శంఖంలో వేయండి, శంఖం నిండే వరకు వేసేసి అదే పట్టులో మొత్తం సామాగ్రిని కట్టి పెట్టండి. తర్వాత మీరు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి యజ్ఞకుండ దగ్గరికి వెళ్ళి పూర్ణావతి అయిన తర్వాత ఆ యజ్ఞకుండ భస్మాన్ని మీకు తర్వాత యంత్రానికి పెట్టి ఈ సామాగ్రిని ఇంట్లో పెట్టిన ఎడలా ధనధాన్యం తక్కువ పడదు. కాబట్టి ఈ సాధనని ఈ విధంగానే పూర్తి చేయాలి. బట్టను మీ విధంగా పెట్టి స్వస్తికున్న బట్టను మీ దగ్గర పెట్టుకుని దానిపైన యంత్రాన్ని పెట్టి దాని శంఖంలో ఆ మంత్రం మీరు అనకపోతే శేషు మహారాజ్ అంటాడు ఆ యంత్రంలో వేసేసి మీరు వేయాలి. ఇంటి పాస్ గోమతి చక్ర రత్న హై ఓ ఖడే రహే ఖడే రహకర్ ఆ మంత్ర హోయే తక్ ఆప్ దేంగే. ఇంటి పాస్ గోమతి చక్ర